सब्सक्राइब कीजिए पीबी न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं परेश पीबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अक्सर आपके साथ होता होगा कि कोई ना कोई आपका दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, वो आपसे इंग्लिश में चैटिंग करने लग जाता है और तब आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है और आप सोचने लग जाते हो कि भाई यार इसको रिप्लाई दे तो क्या दे, क्योंकि आपको समझ आता है तो आप रिप्लाई कैसे दे सकते हो सामने वाले को। तो मैं आज आपका सब कुछ प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा दोस्तों, और आपको इंग्लिश का रिप्लाई देना होगा तो आप किस तरह से दे सकते हो, और सामने वाले ने आपको इंग्लिश में कुछ भेजा होगा तो आप वो पढ़ कैसे सकते हो, आप उसको हिंदी में भी रिप्लाई दे सकते हो लेकिन उसने भेजा क्या है वो आपको समझना चाहिए। तो देखिएगा, एक जन मेरा दोस्त है, उसने मुझे कुछ इंग्लिश में सेंड किया है तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट अभी एक सेकंड में कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं कि ये हिंदी में ट्रांसलेट कैसे होता है। तो यहां पे मैं ये इस आइकन को ले गया, देखिएगा ये डायरेक्टली हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। अभी आपको हाय का मैं दिखा देता हूं और हेलो का भी दिखा देता हूं कि हेलो मतलब समझ आपको तो हेलो हाय समझ आता होगा लेकिन बड़े कुछ अक्षर होते हैं वो समझ नहीं आते। तो हेलो पे मैं इसको लेके जाता हूं और इसको छोड़ देता हूं। इसको छोड़ने के बाद ये डायरेक्टली मुझे हेलो का मतलब सामने लाके बता देगा कि भाई हेलो मतलब क्या होता है। देखिएगा नमस्ते यहाँ पे आ गया। तो ये तो छोटी सी बात होगी लेकिन आपको इंटरनेट पे कोई बड़ा आर्टिकल मिल गया, उसको आपको पढ़ना होगा तो आप क्या करोगे उस वक्त, क्योंकि आपको इंग्लिश तो समझ नहीं आएगी तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इसको लेके जाता हूँ, यहाँ पे लेने के बाद ये डायरेक्टली मुझे हिंदी में सब कुछ ट्रांसलेट करके दे रहा है। देखिएगा ये सब कुछ मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहा है। जितना पैराग्राफ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं सबका सब पैराग्राफ मुझे यहां पे हिंदी में यहां पे सिलेक्ट करके ये एप्लीकेशन दे रहा है। अभी जितना भी आपको कुछ पढ़ना होगा वो सब कुछ आप यहां पे हिंदी में पढ़ सकते हो बिल्कुल आसानी से। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एक क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको जो पढ़ना होगा वो डायरेक्टली आप हिंदी में यहां पे पढ़ सकते हो। बिल्कुल नया ट्रिक आया है मार्केट में। अगर आपको भी इंग्लिश जानने में परेशानी होती होगी तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हो और आपका जो इंग्लिश का बिग पॉइंट है जिससे आपको डर लगा रहता है कि कोई इंग्लिश में कुछ सेंड ना कर दे, कुछ इंग्लिश में पढ़ने की बात आ जाए तो वहाँ पे आपका कोई पंचायत ना हो जाए, तो यहाँ पे आप नॉर्मली इस ट्रिक को फॉलो करके आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको सब कुछ डिटेल बताऊँगा कि इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है और इसको आप कैसे अपने मोबाइल में चला सकते हो। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं सब कुछ डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको सिंपल और सिंपल प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, हाय ट्रांसलेट। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपली वहाँ पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। अभी इसको इंस्टॉल ही करने का आपका काम नहीं है, इसमें कुछ सेटअप करना होता है, वो सेटअप अगर आपने ठीक से नहीं किया तो ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। तो वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, मैं आपको सब कुछ सेटअप करके समझा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा और किस तरह से आपको इसका सेटअप करना है। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सब परमिशन एलो कर देनी है। एलो करने के बाद आपको नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसेसिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। एसेसिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसेसिबिलिटी सेटिंग आपको ऑफ रहेगी तो इसको आपको ऑन कर लेनी है। तो मैं हाई ट्रांसलेट एप्लीकेशन को यहाँ पे एसेसिबिलिटी सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आपको डायरेक्टली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको गेस्ट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेस्ट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक आइकन बना आ जाएगा। देखिएगा ये आइकन आपको दिख रहा है, ये आइकन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ओपन ट्रांसलेट बेल, यहाँ पे ऑन ऑफ इस बेल को आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ काम नहीं होगा तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्क्रीन पे ऑन ही रहने दीजिएगा क्योंकि आप कभी भी इससे कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी नीचे का जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है योर लैंग्वेज, मतलब आपको किस लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट होके आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज होगी दोस्तों वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। सपोज आपको हिंदी समझ आती होगी, बांग्ला समझ आती होगी, मराठी समझ आती होगी, आपकी जो लैंग्वेज होगी उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद योर फ्रेंड्स लैंग्वेज, मतलब आप जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जिससे चैटिंग करने वाले हो, सपोज सामने वाला आपके साथ इंग्लिश में चैटिंग कर रहा है तो आप यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए। अदर लैंग्वेज में सिलेक्ट चैटिंग कर रहा होगा या अदर लैंग्वेज का आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने के
पढ़ना होगा तो यहाँ पे अदर लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इंग्लिश सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इंग्लिश सिलेक्ट आपको यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि आप इंग्लिश में किसी के साथ चैटिंग कर सकते हो या कोई आपके साथ इंग्लिश में ही चैटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज हो गई हिंदी, सामने वाले की हो गई इंग्लिश। ये होने के बाद इस एप्लीकेशन का काम हो गया तमाम। अभी इस एप्लीकेशन से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी स्क्रीन पे एक आइकन यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इस आइकन को आपको जहाँ पे भी लेके छोड़ दोगे आप तो वो डायरेक्टली वहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके बता देगा। तो यही इस एप्लीकेशन का सेटअप था दोस्तों। अगर आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देके रखी है, सिंपली वहाँ पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीबी न्यूज़ पे आपकी फ़ायदे की बात होती है और जो सच्चाई होती है वही पीबी न्यूज़ पे आपको बताई जाती है। मिलते दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।